तमाम समाचार विगतवार महत्वपूर्ण समाचारों की शुरुआत। भारत की कूटनीति ने सौथी मोटी जीत थी। कतारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों ने मुक्त कर दीदा छे ते कथित जासूसी ना आरोपों सामनो आरोपी नो सामनो करी रहा था। कतार की कोर्टे मौत की सजा संभाली छे। जब भारत ना आग्रह पर तेमनी सजा ने कतार ना अमीर शेख तमीम बिन हमाम अल थानी ए पहला ओछी करी आजीवन कैद में फेरवी नाखी थी। जो कि हवे विदेश मंत्रालय जणाव्युं के तेमने मुक्त करी देवामां आव्या छे, जेमांथी 7 पूर्व नौसैनिक भारत पाछा फर्या छे। विदेश मंत्रालय ना पूर्व अधिकारी कतार सरकार ना आ निर्णय नुं उबड़का भेर स्वागत कर्युं छे। महत्वनुं छे के 22 ऑगस्टे भारत ना 8 पूर्व नौसैनिकों ने कतार कथित जासूसी ना आरोपों में पकड़ी लेवामां आव्या हता। जेना पछी 26 ऑक्टोबरे कतारनी कोर्टे 8 पूर्व नौसैनिकों ने मौतनी सजा संभाळी हती। 20 नवंबरे कोर्ट में फरी अपील पर सुनावणी करवामां आवी। 31 डिसेम्बरे प्रधानमंत्री मोदी अने कतारना अमीर वच्चे दुबई में मुलाकात थई, जेना पछी 28 डिसेम्बरे पूर्व नौसैनिकों की सजा ने ओछी करी देवामां आवी हती अने फांसीना बदले आजीवन कैद में करी देवामां आवी छे। 12 फेब्रुआरीए तेमने मुक्त करी देवामां आवता तेवो भारत पाछा फर्या। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार।